हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बाइबल के एक ऐसी कहानी को देखेंगे जो यीशु मसीह अपने चेला को दो मनुष्यों को बीच कहानी बता रहे हैं और दो मनुष्यों को उदाहरण दे के कहानियों बताए हैं। जैसा कि उस कहानी में जाने से पहले मैं आप सबको एक बातों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है हम सब के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सब के इस कहानी से गहराई से सोचने योग्य बातें हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आज के जो मैसेज है इस मैसेज से आप बहुतायत से आशीष को पा सके और आप अपने आप को जांच सके कि कहीं हम तो भी इस कहानी की तरह हम भी तो नहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बाइबल के वचन में देखेंगे लूका रची सुसमाचार 6 अध्याय के जब 46 आयत से 49 आयत तक वचन को देखेंगे तो इस कहानी को आप पाएंगे। तो चलिए हम वचन को देखते हैं। वचन बताती है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम यहाँ पे देखते हैं तो वचन में पाते हैं कि यीशु मसीह जो अपने भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, अपने चेला लोगों को बीच में बातें को बता रहे हैं, उस बातें में सबसे पहले तो कह रहे हैं कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। प्रियो दोस्तों, आज बहुत से ऐसे कलीसिया में भाई और बहन आते हैं, वचन को सुनकर आनंद तो मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन जब उसे कलीसिया से बाहर को जब निकलते हैं तो वो वही दुनिया और वही कार्यों में वो लौलीन हो जाते हैं जो उन्हें प्रभु के वचन से दूर ले जाता है और वो प्रभु के वचन को अपने हृदय में बसने नहीं देते हैं और वही काम करते हैं जो प्रभु को नहीं भाता है। तो प्रभु ऐसे लोगों को कहना चाहते हैं कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। और वो लोग हे प्रभु कहते रहते हैं, प्रभु मुझे ये होल है, प्रभु मुझे इससे ठीक कीजिए, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, प्रभु मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है। ये सारी बातों को प्रभु से बार बार बातें को शिकायत करना और कहना ये उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों इस वचन पे गौर करें, इस वचन को मनन करें कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। यीशु मसीह साफ कहते हैं कि जब तुम मेरी कहना को नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जैसा कि प्रियो आगे को बताता है वचन कि जो कोई मेरे पास आता है वह मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। दोस्तों अगर यीशु मसीह के पास आप आए हैं तो हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह की बातों को उनकी वचन को सुन करके उन्हें मानना होगा, उन वचन पे हमें चलना होगा, उस वचन को अपने मन में हृदय में बसने देना होगा और उस वचन को अपने हृदय से हमें पालन करना होगा। जैसा कि आगे को कहते हैं कि जो
तुम्हें मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। और दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने देता है, उस वचन को पालन करता है, उस वचन पे चलता है, उसके विषय में यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि वे किसके समान है। जैसा कि दोस्तों 48 आयत में कहता है वचन, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला न सका क्योंकि वह पक्का बना था। दोस्तों, ये उस मनुष्य के समान बता रहे हैं जो मनुष्य है जो अपने घर को बना रहा है और वो मनुष्य सबसे पहले घर बनाने से पहले मिट्टी को गहरी खोद करके उसमें है जे पाइलिंग कर करके उसमें पिलर तैयार करके बेस तैयार करके और उस घर को है जे उस बिल्डिंग को खड़ा कर रहा है। उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि वो है जे बाढ़ भी आएगा, धारा भी लगेगा तो भी है जे वो नहीं गिर सकेगा क्योंकि उसका जो नींव है वो उसका नींव है जे मजबूत है, वो चट्टान पर नींव डाला है, वो भूमि को गहरी खोद करके नींव डाला है और जब भी बाढ़ आएगा तो उसे धारा है जे उस घर को नहीं हिला सकेगा क्योंकि वो है जे पक्का का घर है। और दोस्तों, दूसरे मनुष्यों को बारे में बताना चाहते हैं कि दूसरा जो मनुष्य घर बना रहा है वो है जे परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। और दोस्तों, जो प्रभु का वचन को उनकी कहना को नहीं मानते हैं, उनकी वचन को सुन करके उस पर नहीं चलते हैं, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो उस मनुष्य के समान है, उसके बराबर है जिसने मिट्टी को बिना खोदे हुए ही घर को है जे बनाया और जब बाढ़ आया, जब उस दीवार में धारा लगा तो वो तुरंत है जे गिर पड़ा और उसका है जे सत्यानाश हो गया। दोस्तों, क्या आप इस वचन से समझ पा रहे हैं? क्या ये वचन प्रभु यीशु मसीह घर के विषय में बताना चाह रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, ये हम आपको इस वचन से समझने की जरूरत है कि ये वचन हम आपके लिए प्रभु यीशु मसीह इस कहानी को, इस दृष्टांत को हम आपके लिए बता रहे हैं कि ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो कलीसिया में आते हैं, प्रभु के पास, यीशु मसीह के पास आते हैं, जो उनकी बातों को सुन करके मनन करते हैं, उनकी बातों को सुन करके उनको पालन करते हैं और अपने हृदय में बसने देते हैं और उस वचन के, उनकी कहना के अनुसार अपने प्रतिदिन के जीवन शैली को जीते हैं। और उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि उनके पास अगर कोई ऐसी परेशानी भी, कोई ऐसे दिक्कत भी, कोई ऐसे मुसीबत भी आ जाएगा तो वो उस समय है जे टिका रहेगा, उस समय वो है जे हिलेगा नहीं, उस समय वो ध्वस्त होके गिरेगा नहीं, उस समय वो पीछे की ओर नहीं मुड़ेगा क्योंकि उसका जो हृदय और उसका जो मन है प्रभु के बातों की ओर, उनकी कहना की ओर है जे हमेशा है जे वो तत्पर तैयार है। और दोस्तों, दूसरे जो मनुष्य के बारे में बताना चाह रहे हैं कि दूसरे मनुष्य वो मनुष्य है जो कलीसिया को आए, प्रभु के वचन को सुने लेकिन उस वचन को है जे अपने अंदर बसने नहीं दिया, उस वचन को ऊपर मनन नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह की कहना को नहीं माना और वो उनके पास जब मुसीबत आया, उनके पास जब परेशानी आया, उनके पास जब कोई प्रॉब्लम आया तो टूट करके धाना सा हो गए, टूट करके बिछड़ गए और वो प्रभु के समीप जाना छोड़ दिए। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे हम गवाही भी आपको देना चाहते हैं। मेरे कलीसिया, जिस कलीसिया में मैं चलाता हूँ, जिस कलीसिया में मैं जा करके प्रभु के वचन को बांटता हूँ, उस कलीसिया में भी बहुत से ऐसे विश्वासी लोग भी आए जो 2-3 साल प्रभु में बन करके वो पीछे की ओर मुड़ के चले गए क्योंकि उन्होंने
प्रभु के वचन को अपने हृदय में बसने नहीं दिया। प्रभु के कहना को उन्होंने अपने आप को है जे नहीं माना और उनके पास थोड़ा सा कुछ भी सताव या कुछ परेशानी आया और वो टूट के बिछड़ गए। प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह इस वचन से ये बताना चाहते हैं कि हम आपको उस मनुष्य के समान बनना है जो गहरी मिट्टी को खोद करके वो अपने नींव को डालता है, ताकि बाढ़ भी आए, धारा भी दीवार पे लगे, उसे गिरा न सके। जैसा कि दोस्तों याकूब अध्याय 1:22-23 जब पढ़ते हैं तो वहाँ वचन बताती है, कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे भाई हैं जो कलीसिया में आते हैं, उसे सिर्फ सुनते हैं, आनंद लेते हैं और उसके पास से जब वहां से निकलते हैं तो वो वचन उनके अंदर नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, विशेष करके उन भाइयों के लिए इस वचन को हमेशा है जो मनन करने की जरूरत है। जो भाई वचन को सुनते तो हैं लेकिन वचन पे नहीं चलते, क्योंकि वचन बताती है कि परंतु वचन पर चलने वाला बनो। प्रभु यीशु मसीह के जो भी कहना को सुनते हैं उस कहना को मानने वाला बनना है, उस कहना को अपने आप को जीवन में ढलने देने वाला बनना है। केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, और जो लोग सिर्फ खाली सुनते हैं और उस वचन पे नहीं चलते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं, ऐसा वचन बताती है मेरे प्रियो। जैसा कि आगेला आयत बताता है, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। दोस्तों, आप ऐनक में अपने आप को चेहरा को देखे होंगे, ऐसे आपको अपने चेहरा दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वो दर्पण को आप अपने सामने लाएंगे तो आपके चेहरा दिखाई देगा। ये वचन बताती है कि जो कोई है जे वचन को सुनने वाला है और उस पर चलने वाला नहीं है वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। दोस्तों, इस वचन से हम आपको ये सीखने की जरूरत है कि हमें है जे अपने स्वाभाविक मुंह को दर्पण में देखते हैं उस तरह से हमें अपने आप को नहीं करना है। हमें वचन को सुनने वाला और वचन पे चलने वाला बनना है। जैसा कि अगला आयत कहता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। इसलिए दोस्तों, आज का जो मैसेज है, इस मैसेज से हम आपको अपने आप को है जे मन में यही ठान लेना है कि प्रभु का जो वचन हमें और आपको सुनने को मिलता है उस वचन को सुनने वाला और उस वचन पे चलने वाला बने। अगर उस वचन को आप सुनेंगे, मनन करेंगे, हृदय में बसने देंगे, तभी आपके पास कोई ऐसा चट्टान या कोई ऐसा मुसीबत या कोई ऐसा परेशानी के रूप में आके खड़ा होगा, आप उस वचन से उस परेशानी से बाहर आएंगे। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबों को इस बातों को बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह शैतान को वो परीक्षा में जे वचन से ही बात किए। जब उनको भूख लगा तो शैतान बोला, किसे तुम पत्थर के कहो कि रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के जीवित वचन से जीवित रहेगा। प्रिय दोस्तों, जहां भी आपकी परीक्षा होता हो, जहां भी आपकी परेशानी या कोई मुसीबत आए, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, तो आप उससे हजे बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज के मैसेज से प्रभु ने आपसे बात किया है, प्रभु ने आपको आशीष दे दिया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।